ये प्रयागराज का माफिया हो या गाजीपुर का माफिया, कौन अपने गले का हार बनाया था, मैं पूछना चाहता हूं कौशाम्बी की जनता से। बहनों भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या पूजा पाल के पति राजू पाल पिछड़े नहीं थे क्या? क्या उमेश पाल पिछड़ा नहीं था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी का क्या रिश्ता था कि वह इन लोगों को राजू पाल के लिए, उमेश पाल के लिए और इन माफियाओं के द्वारा मारे गए सैकड़ों लोगों के प्रति, वो निषाद जाति के भी थे, पटेल जाति के भी थे, ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे, अन्य सभी जातियों से थे, कोई खटिक था, कोई अनुसूचित पासी था, अलग अलग जाति के थे। इनके मरने पर समाजवादी पार्टी की संवेदना इन परिवारों के प्रति नहीं होती थी, इनकी संवेदना तो उन माफियाओं के प्रति होती थी। आपने देखा होगा एक बुजुर्ग महिला, 80 वर्ष की महिला, मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के बाद वह मेरे पास आई थी। उसने कहा, साहब ये प्रयागराज के इस माफिया ने मेरी पति की हत्या करके मेरी पूरी प्रॉपर्टी 10 बीघा जमीन पर कब्जा कर ली, मौर्य जाति की थी वो महिला। और बहनों और भाइयों, याद करिए, मैं फिर खड़ा हुआ था, मैंने कहा माता चिंता मत कर, आज आपके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व की यूपी की सरकार बनी है, इस माफिया को तो हम मिट्टी में मिला देंगे, घबराइए। और बहनों भाइयों, आपने देखा होगा कैसे माफिया मिट्टी में मिल गए, कैसे माफिया मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिल गया। और उस बूढ़ी माता को उसका अधिकार हम लोगों ने दिया, उसका 10 बीघा खेत वापस उसको कराया गया, और साथ साथ 10 वर्ष में जितना माफिया और उनके गुर्गों ने कमाया होगा वह भी वसूली हमने किया। और साथ साथ उस माफिया के ऊपर बुलडोजर चलाने का भी काम किया गया। आज आपने देखा होगा जो सरकारी भूमि पर प्रयागराज ने कब्जा किया था उसको हमने खाली कराया था, और खाली करा करके अपने जनप्रतिनिधियों को लेके मैं गया था, और मैंने कहा था चलो, ये विनोद सोनकर था, मैंने कहा चलो जितने गरीब हैं, दलित हैं, खटिक हैं, पासी हैं, हरिजन हम दलित हैं, पिछड़े इन लोगों को ही मकान आवंटित करो, और अपने सामने इन लोगों ने हाथों से दे करके मेरी उपस्थिति में इन गरीबों को मकान पे कब्जा करवाने का काम किया।